मध्य प्रदेश में पन्ना जिले के अजयगढ़ विकास खंड में धर्मपुर के पास रमजीतपुरा है। यहाँ की आबादी 150 करीब परिवार हैं। जो यहाँ पर एक आंगनबाड़ी केंद्र है, वो आंगनबाड़ी केंद्र सही ढंग से संचालित नहीं हो रहा। मध्याह्न भी वहाँ पर वितरित नहीं हो रहा है और बच्चों की सेवाएं एवं गर्भवती धात्री महिलाओं को जो सेवाएं दी जा रही हैं वो भी नहीं मिल पा रही है। टीकाकरण तो हो जाता है, लेकिन जो भी और सेवाएं जो संचालित हैं गर्भवती महिलाओं के लिए, वो कोई भी सेवा यहाँ से प्राप्त नहीं की जाती। और जो पैकेट दिए जाते हैं गर्भवती महिलाओं, आस पास की एक दो महिलाओं को बंटवारा भी बांट देते हैं, बाकी यहाँ गाँव में नहीं बांटते। केंद्र जब भी खुला तो केंद्र से नहीं तो घर से बैठे बैठे सब बांट देते हैं अपने आसपास की जो महिलाएं, देखो बाकी गाँव वालों को नहीं होता। और इसमें आंगनवाड़ी केंद्र पे जो सहायिका है वो भी यहाँ लगातार नहीं आ रही है। सहायिका भी डिफॉल्ट है, जो कि यूपी और एमपी दो जगह उसका निवास है। कोई भी अधिकारी भी आता है तो अधिकारी देख करके लौट जाता है, हमेशा दस्तखत करवा करके चले जाते हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आप लोगों ने इसमें कोई कार्रवाई की? जी सर, कार्रवाई दो बार नहीं तीन बार की है। कहाँ कहाँ की? ये पन्ना में किया है, अजयगढ़ में किया है, जब सुनवाई नहीं। रमजीतपुर में जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ पर 0 से 6 वर्ष के बच्चों को नियमित रूप से मध्याह्न मिले एवं गर्भवती धात्री महिलाओं को जो पैकेट दिए जाते हैं वो हर मंगलवार को वितरण किए जाएं एवं टीकाकरण और भी जो महिला बाल विकास से सेवा दी जा रही सही है वह नियमित रूप से दी जाएं। इसका बदलाव महिला बाल विकास अधिकारी कर सकते हैं। यह वीडियो देखने वाले श्रोताओं से मैं अपील करता हूं कि इस नंबर पर कॉल कर कृपया हमारी मदद करें। इनका नंबर 29251447188 है। मैं लक्खू प्रसाद पन्ना जिले से इंडिया अनहर्ड के लिए।